हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉब स्टडी में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जो रिक्रूटमेंट थी, ठीक है, एसएससी की तरफ से जो सीजीएल की यहाँ पे वैकेंसी आई थी, उसकी जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है ऑफिशियल, और नए स्टूडेंटों के लिए और पुराने स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसकी जो है, सबसे पहले कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट बता दूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, फी क्या होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस आपकी क्या रहने वाली है 1 2 3 सभी के लिए, और कितने एग्ज़ाम आपके होंगे, कितने चरणों में होंगे, वो सभी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आपको लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, वहाँ पे सभी जानकारी देते हैं। अब दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है सीजीएल के लिए वो पब्लिश कर दी गई है, और आप सभी जानकारी वैसे यहाँ देख सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सभी कि इसकी जो जो डेट रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म को, वह रखी गई है 29 दिसंबर से लेकर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। टोटल आपको जो 1 महीने का समय यहाँ पे जो है करीब जो है वह 32 33 दिनों का समय दिया जा रहा है। लास्ट डेट जो है वह यहाँ पे आपका जो आपका रिसिप्ट जो होगा ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे, लास्ट डेट 31 जनवरी तक आपकी होगी। लास्ट डेट जो है फी पेमेंट के लिए वो भी आपकी जो है 2 फरवरी 2021 तक की जाएगी। अगर बैंक के थ्रू अगर आप चालान कटा के अगर फी पेमेंट करते हो तो आपको 4 जो फरवरी है उस तक समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वह आपकी जो शेड्यूल दी गई है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 1 की एग्ज़ाम जो होगी आपकी, उसका भी डेट जो है पहले ही कैलेंडर में आ चुका है, आपका होगा 19। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वह 29 मई 2021 को जो है आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाली है, और आपकी जो है 29/5 से लेके जो है वह 7/6/2021 तक इसकी जो है वह एग्ज़ाम होगी। ये जानकारी यहाँ पे दे दी गई है आपको। मैं अब सैलरी के बारे में बता दूं तो सैलरी आपकी जो है वह हर एक जो है डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, उसका अलग अलग जो है यहाँ पे वह दिया गया है सैलरी। जैसे आप देख सकते हैं पे लेवल 8 पे यहाँ पे दिया जा रहा है 47,600 से लेके वह 1,51,161 तक है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट की अलग है। उसके बाद आप देख सकते हैं पे लेवल 7 फिर दिया जाता है, तो पोस्ट जो है वो अलग अलग पोस्ट है, तो मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें करीब जो है 28 से ज़्यादा अलग अलग जो है 28 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, और तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा जो है पोस्ट पे जो है आपको डिस्कस नहीं करते हैं। अब थोड़ी आपको मुद्दे की बात बता दूँ, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है वह वैकेंसी यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टोटल जो है पोस्ट आई है 6,656 पोस्ट, ठीक है, 6,506 जो है यहाँ पे टोटल पोस्ट है। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप बी वाले के लिए जो है अलग पोस्ट है, ग्रुप सी वालों के लिए अलग पोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह ग्रुप वाइज भी बांटा गया है, जो कि ग्रुप बी में एक गैजेटेड जो है पोस्ट होती है, तो उसमें जो है 250 पोस्ट आई है, ठीक है, 250 के करीब। और अगर बात करें ग्रुप बी में ही जो नन गैजेटेड है उसमें आपको जो है 3,513 पोस्ट दी गई है। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के लिए टोटल जो है वह 2,747 पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपने कैटेगरी में देखना चाह रहे हैं तो आपको वैसे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर देखें यहाँ पे एज के ऊपर, तो एज की जो है आपकी कैलकुलेशन वह 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर, तो हर एक पोस्ट के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे जो है आपकी एज भी रखी गई है, जो कि किसी पोस्ट के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष तक है, किसी के लिए यहाँ पे 20 से 27 वर्ष है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा अलग अलग जो है यहाँ पे वह डेट के लिए जो है यानी कि पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एज जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट, और पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व है उन्हें 10 साल की छूट, जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी वाले हैं उन्हें 13 साल की छूट, और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट एससी एसटी हैं उन्हें 15 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों 3 साल की यहाँ पे छूट मिलती है,
अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो है पहला पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ठीक है, या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी जो 28 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, तो उसमें आपकी जो है बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है विभाग वाइज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या साइंस से हैं तब भी, आर्ट्स से हैं तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का ये अगर डाउट एक होगा कि कौन कौन से जो है पोस्ट के लिए जो है कौन कौन से आपको जो है वहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो 100 रुपया जो है यानी कि 100 रुपीज़ लगती है जनरल यानी कि यूआर कैंडिडेट, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन्हें 100 रुपीज़ यहाँ पे जो है वह फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर जो कैंडिडेट वुमेन है, ऑल इंडिया लेवल पे ऑल वुमेन्स फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए, तो वो भी यहाँ पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वाले के लिए फ्री में यहाँ पे कोई फीस नहीं है, और एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट, ठीक है, आप नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे जो है अप्लाई जो है अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक चालान के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम सेंटर तो सेंट्रल रीजन की जितनी भी कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, तो उनका देख लीजिए कहाँ कहाँ पड़ेगा। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आड़ा, जो आपका बरेली हो जाएगा, गोरखपुर, उसका जो है झांसी, कानपुर, लखनऊ, उसके बाद मेरठ, उसके बाद प्रयागराज और वाराणसी, इन जगहों पर जो है वह सीआर रीजन वालों के लिए है। ईस्टर्न रेलवे का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी जो सारी जगह हैं ईस्टर्न रेलवे में आ जाते हैं झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, उसके सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब आते हैं। अगर केकेआर की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला आते हैं। मध्य प्रदेश वाले के लिए अगर बात करें रीजन के लिए, तो वो MR वाले में आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दो राज्य आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्थन वाले में देख सकते हैं, सभी राज्य का यहाँ पे दिया गया है, अपना आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपकी जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगी, तो आपकी 4 एग्ज़ाम ली जाएगी, ठीक है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4। सबसे पहले बात करें Tier 1 की, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। Tier 2 भी आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। उसके बाद अगर बात करें Tier 3 की, जो कैंडिडेट Tier 3 का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें जो है यहाँ पे वह डिस्क्रिप्टिव पेपर एक देना होगा, जो कि रिटेन होगा, ठीक है, जो आपका पेपर और पेन पे लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 4, तो ये जो है कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट होगा, ठीक है, जिसे हम डाटा एंट्री स्किल टेस्ट भी कर सकते हैं, या आप टाइपिंग स्पीड भी इसमें जो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे जो है 4 टोटल जो है आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम होगी। इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, काफ़ी फॉर्म को भरते हैं, और उन्हें यहाँ पे Tier 1 का मैं सबसे पहले जो है वह सिलेबस बता दूँ, तो Tier 1 में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आपकी जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग होगी, उसके बाद GA यानी कि जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, और इंग्लिश कम्प्रिहेंसन होगी। ये 4 सब्जेक्ट से आपकी जो है वह क्वेश्चन होगी, जो कि 100 मार्क्स की क्वेश्चन होगी, और 100 क्वेश्चन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से, जो कि आपकी मैक्सिमम जो है यहाँ पे मार्क्स 50 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे आपकी 25 जो है वह क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे जो है वह 50 यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखें, तो 25 मार्क्स की यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 नंबर होंगे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद जो है यहाँ पे 50 जो है आपको नंबर दिए जाएंगे इसके लिए। तो ये सब मिला के आपकी जो है यहाँ पे 200 की जो है वह एग्ज़ाम ली जाएगी Tier 1 में। और अगर बात करें यहाँ पे आपकी जो है वह 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट जो है आपको यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Tier 1 में। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जो पेपर सेकेंड होगी Tier 2, उसमें आपकी जो है
सेम होगी, इसी तरह की कैंटिट्यूड एप्टीट्यूड होगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो है कम्प्रीहेंशन होंगे, स्टैटिक्स होंगे, उसके बाद फोर्थ में यहाँ पे जनरल स्टडीज और यहाँ पे जो है स्टडीज़ और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से आपकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इनमें भी आपको जो है देख सकते हैं, सबसे पहला जो इसमें पेपर होगा, सेकेंड जो टायर होगी उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। सेकेंड पेपर इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। थर्ड में स्टैटिक्स होंगे, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के होंगे, और जनरल स्टडीज़ और फाइनेंस इकोनॉमिक्स से आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको यहाँ पे 200 जो है वक्त नंबर के होंगे। इसमें आपको जो है हर एक सब जो पेपर के लिए 2 घंटे की समय दी जाएगी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उनका जो है वह 0.5 जो है वह कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 अगर आपका गलत होता है तो आपका एक एक्चुअल मार्क जो है वह कट जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो भी कैंडिडेट जो यहाँ पे पेपर फर्स्ट और सेकेंड देते हैं तो वो थर्ड में जाएंगे, थर्ड में आपकी जो है कम्प्रीहेंशन होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पे जो पेपर सेकेंड है, ठीक है, टायर वन वाले में तो आप सभी को मैंने बता दिया जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। टायर सेकेंड में आपकी जो है वह 2.5 मार्किंग दिया गया है, इस रॉन्ग पे जो आपका कट जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हो। अब दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कीजिए, तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन जो है एक बार ज़रूर जाते जाते चेक कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पहले कॉलम में आपको इसका जो है अप्लाई ऑनलाइन करने का जो है वह लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया लेवल से मेल कैंडिडेट हो जनरल और ओबीसी के, तो आपको 100 रुपया जो है फी पेमेंट करना होगा। अगर आप जो है SC ST या ऑल कैंडिडेट अगर फीमेल हैं तो आप जो है यहाँ पे फ्री में इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।